तो मेरे मित्रों, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये नाम वाला वीडियो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। सब कोई अपने स्टोरी में अपलोड कर रहा है। 20 में से 100 लोगों का तो मैंने देख लिया है खुद अपने फ़ोन में। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे मित्रगण भी सीख ही लिए कि ये कैसा बनाते हैं और कहाँ से बना रहे हैं लोग। ठीक है, तो ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं सीधा आपको टॉपिक पे ले जाता हूँ और कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बिना ऐप का ये सब काम फ़ोन में करना आसान तो है नहीं, इसलिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐप है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं और कहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वो ऐप है। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ ओपन करते ही आप देख सकते हो, आपको जो भी स्टाइल में बनाना है, जो बैकग्राउंड में बनाना है, वो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो ये बैकग्राउंड है, तो अगर आपको इस डिज़ाइन में बनाना है तो आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आपको और भी देख सकते हो, यहाँ पे दो तीन डिज़ाइन और भी है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आपको इसमें आ जाना है, मतलब कि जो आपको डिज़ाइन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 कुछ इस तरह से दिख रहा है। और एक तो और भी है सबसे ऊपर में, आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपने फ़ोटो को भी लगा सकते हो। अगर आपको ये बनाना है तो मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपको ये बनाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलेक्ट ये फुल बॉडी पिक्चर, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आप एक पिक्चर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उसका बैकग्राउंड में कुछ भी है कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने आप आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा ये। उसके बाद नीचे आपको जो नाम से बनाना है वो यहाँ पर नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे म्यूजिक अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे रिप्लेस म्यूजिक पे क्लिक करना है, आपका म्यूजिक चेंज हो जाएगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे मेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये क्रिएट होके आपकी गैलरी में आ जाएगा। तो एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं दूसरा करके दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो वाला नहीं कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं ये इस तरह से डिज़ाइन अपना नाम का बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप यहाँ पर आ जाओगे, ये ओपन कर लोगे, उसके बाद स्टार्ट मेकिंग पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे ऐड क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, यहाँ योर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नाम से आप बनाना चाहते हो वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने चैनल का नाम लिख लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा चैनल का नाम दिखेगा, ये दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। उसके बाद रिप्लेस म्यूजिक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी म्यूजिक आपको सजेस्ट करेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये म्यूजिक बहुत सारे, जो भी आपको यहाँ से क्लिक करना है, जो भी सेलेक्ट करना है वो उस पर क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको अगर करना है तो, इसको अगर करना है या कुछ भी करना है तो आप, अगर आपके फ़ोन में कुछ म्यूजिक है जो आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ लोकल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक मिल जाएगा आपके फ़ोन का। ठीक है, तो यहाँ मैं कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाटर मार्क आता है। अगर आपको वाटर मार्क को हटाना है तो आपको इसके लिए भी एक ऐड देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐड देख के ही आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको नाम चेंज करना है तो ऐड देखना पड़ेगा, म्यूजिक चेंज करना है तो ऐड देखना पड़ेगा, मतलब कि फ्री तो है लेकिन आपको ऐड देखना पड़ेगा। तो अगर हमको वाटरमार्क हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा एक फ़ोन में एक ऐड चलेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। तो ये देख सकते हो अब हमारा ऐड, तो ये देख सकते हो अब हमारा वाटर मार्क हट चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर एक ऐड चलेगा, फिर ऐड ख़त्म होते ही आपका वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सक्सेसफुल सेव टू एल्बम, मतलब कि आपके फ़ोन में ये सेव हो चुका है। और यहाँ से अगर आप इसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाना चाहते हो, लाइव वॉलपेपर, तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे ऑप्शन है लाइव वॉलपेपर लगाने का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो एरिया जहाँ तक आपको वॉलपेपर लगाना है। ठीक है, इसके लिए आपको नाम थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा या तो इस साइज़ में आपको इस वीडियो को बनाना पड़ेगा।
तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, सेलेक्ट करके उसके बाद ये हमारा लाइव वॉलपेपर सेट हो जाएगा। अगर आपको करना है तो, अगर नहीं करना है तो आपका नाम वाला वीडियो तो बन के रेडी हो चुका है। आपको मैं एल्बम में जाके दिखा आपको मैं सीधा एल्बम में जाके दिखाता हूँ, मतलब कि अपने फ़ोन के गैलरी में। अब ये हमारा वीडियो जो है गैलरी में चला गया होगा, मैं अपने गैलरी को ओपन करता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे फ़ोन के गैलरी में वीडियो मेरा आ चुका है। ये रहा मेरा, इसको मैं ओपन करके अभी दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो हो गया हमारा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप ये भी देख लो। ये दूसरा वाल बैकग्राउंड में जो फोटो है, ये दूसरा था, उसको भी मैंने बनाया था। और एक बनाया है फोटो वाला भी, एक बार ये भी देख लो। ये देखो फोटो वाला भी बना के आपको दिखा दिया मैंने। तो इस तरह से आप बना सकते हो अपना, ठीक है। अब यहाँ से आप जाओ और बनाओ। तो ऐप कौन सा है वो देखिए आप, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, आपको अब ऐप दिखाता हूँ। आपको प्ले स्टोर में आना है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है, प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको NOIZZ आपको लिख कर टाइप करना है। आप देख सकते हो ये वाला ऐप है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको बस यही वाला करना है, दूसरा कोई नहीं करना है, नहीं तो फिर ये वीडियो आपका नहीं बनेगा। मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो में इतना ही है, इसी के बारे में बताना था। तो रहने देते हैं, अब मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, दूसरे सेटिंग और दूसरे ट्रिक के साथ, दूसरे जुगाड़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो जाना है ही नहीं, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए आपको करना चाहिए, ठीक है। और लाइक कमेंट करके जाना अगर आपको अच्छा लगा तो। टाटा बाय।